अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन अचारी हांडी। इसके लिए मैं बोनलेस चिकन यूज कर रही हूँ। थाई का मैंने ये इसका मीट लिया है। आप इसको ब्रेस्ट में भी बना सकते हैं, दूसरे आम चिकन में भी, हड्डी के साथ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ ये बोनलेस थाई को, क्योंकि ये ज्यादा जूसी होता है एज कम्पेयर टू द ब्रेस्ट। तो जी ये मैंने 1 kg ले लिया है चिकन थाई बोनलेस, प्लस मैंने ली है इसके लिए 5 सब्ज मिर्च। इनमें से 4 जो है वो मैं साबत इसमें एंड पे डालूंगी दम में, और 1 जो है वो मैं इसकी गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। 2 मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज के और उनको मैंने मोटा काट लिया है। इसके अलावा 3 टमाटर लिए हैं, इनका हम ब्लेंडर में पेस्ट बना लेंगे। साथ में हमें जो स्पाइसेस चाहिए उसमें मैंने 1/2 चम्मच भर के लिया है ये कलौंजी का, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ये मेथी दाने का। ये हमने ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि ये हमारे कढ़ाई को कड़वा कर सकता है। प्लस 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1/2 चम्मच ही मेरे पास है जी ये चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून ये टीस्पून मैंने लिया है राई दाने का। ये भी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ये भी कड़वा करता है। अच्छा जी, जब मैं चम्मच की बात करती हूँ तो खाने का चम्मच, जब टेबलस्पून की बात करती हूँ तो ये चम्मच मैं यूज करती हूँ, और जब टीस्पून की बात करती हूँ तो मैं ये वाला चम्मच यूज करती हूँ। आप मेजरिंग चम्मच भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। साथ में ये मैं सॉल्ट ले रही हूँ 1 चम्मच, मैंने खाने का लिया है ये 1 चम्मच। 1/2 कप मैंने योगर्ट का लिया है, 2 चम्मच मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये है जी मेरे पास टोमेटो पेस्ट 1 चम्मच मैंने भर के लिया है। ये हमारी जो ग्रेवी है उसको एक अच्छा सा कलर देगा, रेड कलर, और उसी के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। प्लस ये मेरे पास है जी 1 चम्मच भर के मैंने साबुत खुश्क धनिया लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है जीरा का। इनको हम जो है मोटा मैं इसको ग्राइंड करूंगी, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, ना ही मैंने इसको मोटा क्रश करना है, मीडियम में इसको मैं रखूंगी। मैं इसका पाउडर बना के आपको दिखाऊंगी। और 1 चम्मच मैंने ये 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं सौंफ का, इसको भी मैं मोटा जो है वो इसको ग्राइंड करूंगी, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है इसको। अच्छा जी, इसके अलावा ये मेरे पास है रेड पिकल्ड हॉट पेपर, ये आप किसी भी ब्रांड के यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आते हैं कढ़ाई में। अगर आप कनाडा में हैं तो ये इजीली आपको जो है वो अवेलेबल होगा। ये मैं कॉम्प्लीमेंट का यूज करती हूँ, ये आपको फ्रेशको से भी मिल जाएगा, वॉलमार्ट से भी मिल जाएगा, या किसी भी और ग्रोसरी स्टोर से इजीली अवेलेबल है ये। प्लस इसके अलावा जो मैं इसके ले रही हूँ, ये मैंने 6 से 7 आप ले सकते हैं सब्ज इलायची। अब मैं क्या करूंगी, ये सब्ज इलायची प्लस ये टर्मेरिक पाउडर जो हल्दी पाउडर है, और जो मैंने प्याज जो अपना काटा है मोटा मोटा रफली, उसको मैं 1 कप वाटर में बॉईल कर लूंगी, और इसको फिर मैं ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लूंगी। इसका पानी जो है मैं ऑलमोस्ट ड्राई कर लूंगी, मैं एक दफा आपको ये करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने पैन लिया, इसमें मैंने क्या किया, 1 कप पानी ऐड किया, ये 1 कप मैंने यूज किया है, प्लस मेरे पास जो अनियन था वो, इलायची और हल्दी पाउडर, ये डाल के मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जब इसका पानी जो है वो बहुत कम रह जाएगा। मैंने तेज आंच पे इसको रखा है, तो मैं इसको निकाल के ब्लेंड करूंगी। ये देखें जी, 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये पानी जो है ये देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से जो इलायची है वो हम निकाल लेंगे, और बाकी जो अनियन है उसका मैं ब्लेंडर में प्योरी बना लूंगी। तो मैं आपको बना के दोबारा दिखाती हूँ।
अच्छा जी, मैंने पैन में हाफ कप ऑयल लिया है, मैंने प्याज की उसमें से इलायची निकाल के प्योरी बना ली। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी और इसकी हल्की सी भुनाई हम करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये 5 मिनट मैंने जो अनियन था उसको मैंने ऑयल में डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे चिकन। ये देखिए, ऑयल अब आपको बिल्कुल अलहदा से नजर आ रहा है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं, प्लस साथ ही इसमें जो बाकी स्पाइसेस हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। ये जी, मेरे पास कलौंजी थी, ये मैं ऐड कर रही हूँ, मेथी दाना, ये है राई दाना, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी। अब चिकन को इसमें मसालों में और अदरक लहसुन के साथ इसकी हम फ्राई करेंगे, प्लस ये कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमारे पास जो पेस्ट था टमाटर का, टमाटो पेस्ट, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैंने जो है वो हाई रखा हुआ है, अभी मैं इसको हाई पे ही एक दफा करूंगी। और 2 से 3 मिनट अब अगेन हम इसको कुक करते हैं ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और वाइट में आ जाए। ओके जी, इसको 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको खोलती हूँ। और ये देखें, अभी हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर रहे हैं। अब मैं 10 मिनट्स के बाद इसमें ये ऐड कर दूंगी जो मैंने पाउडर बनाया है, खुश्क धनिए का, ज़ीरा और सौंफ का, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्लस ये जो योगर्ट है ये भी मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी और इसको अब हम इसका जो पानी है वो ड्राई करेंगे। ये 15 से 20 मिनट लेगा मीडियम फ्लेम पे इसका पानी ड्राई होने में। तो अब मैं इसका पानी जो है वो ड्राई होने देती हूँ और फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ कैसा ये बना है। ये देखें, चिकन ने जो है वो अपना कलर चेंज कर लिया है। मैंने 2 मिनट इसको दोबारा सारी चीज़ें डाल के भुना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, प्लस मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास टमाटर का पेस्ट था। कि अगर आप ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो आप 2 टमाटर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दोबारा कवर करके इसको भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अच्छा जी, इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको अनकवर कर रही हूँ। ये देखें, इसने माशाल्लाह से बहुत ही थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया है। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके रखें तो हर 4 to 5 मिनट्स के बाद आप इस एक दफ़ा इसको अनकवर करके चेक करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो मैंने रेड पेपर्स का पिकल लिया था वो ऐड कर रही हूँ, प्लस ये ऑप्शनल है जी, ये मैं डाल रही हूँ। एक मैंने पीस लिया है मैंगो अचार का और वो भी इसमें छोटे पीसेस करके मैं ऐड कर रही हूँ, ये इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ना डालें।
प्लस साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज और इसको मैं अगेन 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह बहुत मजे की बनेगी और बनती है। चलें जी, इसको कवर करके मैं अगेन 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। ओके जी, 5 मिनट्स हो चुके हैं इसको दम में रखे हुए। अब मैं इसको खोल रही हूँ और ये देखें हमारी बहुत ही जबरदस्त सी चिकन अचारी हांडी जो है वो रेडी है। तो बस अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की लग रही है। चलें जी, अब इसको करते हैं हम डिश आउट।